तो आजकल देखे तो हर एक मैच में मैटर हो जा रहा है, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जा रहा है, कुछ ना कुछ बहस हो जा रहा है। और कल के मैच में डीसी और राजस्थान के बीच में जो मैच था उसमें भी देखे तो रिकी पोंटिंग और इंपायर्स के बीच बहस हो गया। किस लिए बहस हुआ? तो इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर बहस हुआ। राजस्थान की जो टीम है उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नादरे बर्गर को रखा था कि भाई बल्लेबाजी जब हो जाएगा तो अगला इनिंग स्टार्ट होने से पहले नादरे बर्गर को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में हमको रख लेना है। लेकिन जैसे फील्डिंग स्टार्ट हुआ तो उसके दो तीन गेंदा बाद ही एक अलग प्लेयर को मैदान पर उतार दिया। और इसको देखकर रिकी पोंटिंग भड़क गए। वो कहने लगे, अरे भाई ये रोमन पावल कैसे उतर गया? तुम बोला कि नादरे बर्गर इम्पैक्ट प्लेयर है, अभी पावल जी उतर जा रहे हैं। तब एम्पायर ने समझाया उनको, रिकी पोंटिंग को। हालांकि रिकी पोंटिंग देखे तो एम्पायर से बहस करने लगे, सौरभ गांगुली भी बहस करने लगे। बाद में समझाया एम्पायर ने कि देखिए भैया नादरे बर्गर खेल रहे हैं, टोटल चार गो विदेशी खिलाड़ी पिच पर है। आप सोच रहे हैं कि पाँच गो विदेशी खिलाड़ी उतरल है, नहीं, चार गो है और नादरे बर्गर भी खेल रहे हैं। जो रोविन पोवल आए हैं ये एक फील्डिंग के तौर पर आया है, दूसरा प्लेयर बैठल है, थका गया है बेचारा, तो फील्डिंग करने खाली आया है, तो टेंशन मत लीजिए चल जाएगा। और फील्ड पर अभी चार गो विदेशी खिलाड़ी है, पांच गो नहीं है। तो इसी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, और कल के मैच में कंफ्यूजन हुआ तो ये सब देखे तो क्रिएट हो गया। ताकि जो भी हो आप बताएं कि कल का मैच देखे थे कि नहीं देखे थे। मज़ा तो नहीं आया हुआ कल के मैच में, कहीं कि तो हाइप देखे तो सनराइजर हैदराबाद बना दिया है, अब ये सब मैच देखने से कहाँ कुछ पूरा होगा। ताकि जो भी हो आप बताएं, और ऐसी खबरों के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।